जय हिंद साथियों, बाय बाय एक्सेसमैन पीकेएस और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सेसमैन चैनल। भूतपूर्व सैनिकों की सभी जॉब रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। निचला सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को दबा के रख दें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर टाइम पर मिल सके, आप टाइम पर अप्लाई कर सकें। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों की सभी जॉब रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर वैकेंसी आई है जो कि ग्राम विकास ऑर्गेनाइजर की वैकेंसी है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर। उसके अलावा ग्राम सेवक की वैकेंसीज है। यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये एक्सेसमेंट जनरल के लिए 32 रखी गई है, साथ में उसके डिपेंडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है एक्सेसमेंट SC जिसमें दो टाइप के हैं, 16 वैकेंसीज, 32 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा एक्सेसमेंट SC डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेसमेंट BC सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं, BC डिपेंडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, टोटल वैकेंसीज जो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है, 792 वैकेंसीज टोटल रखी गई है और भी कैटेगरी में वैकेंसीज रखी गई है। तो साथ ही ये नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, पंजाब स्टेट जो कर्मचारी चयन आयोग है उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। VDO की पोस्ट है सबऑर्डिनेट सर्विसेज की तरफ से, और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर और साथ में ग्राम सेवक की वैकेंसीज है, 792 टोटल पोस्ट रखे गए हैं और इसके लिए 15 मई से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी गई है, नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है और टोटल 792 पोस्ट हैं। पेमेंट 19,900 रुपये से 63,200 रुपये, जॉब लोकेशन पंजाब में रहेगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है SSSB.punjab.gov.in, इसके माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस वगैरह यहाँ पे दी गई है, भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे रखा गया है, अन्य के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कॉलम रखे गए हैं। उम्र की सीमा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी के लिए रखी गई है मैक्सिमम 37 ईयर, लेकिन एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार। और क्या क्या एजुकेशन इसके लिए रखा गया है, 12th पास सेकेंड डिवीज़न ये रखा गया है विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर के लिए, और जो ग्राम सेवक है उनके लिए रखा गया है ग्रेजुएट और 1 ईयर डिप्लोमा इनके लिए रखा गया है। तो उसकी भी आप डिटेल देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जय हिंद।